एवरी हार्ट, एज आई सेड कि कल बालकनी क्लीन हुई थी, मैट निकल चुकी है, पॉट्स निकल गए, मैट निकल गई। अभी अब हम झाड़ू वाड़ू लगाएंगे, धोएंगे, जाले वगैरह साफ करेंगे, पूरा क्लीन करेंगे और उसके बाद फिर वापस से मैट लगाकर सेट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माशाल्लाह आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आप लोगों ने देखा बालकनी फाइनली क्लीन हो गई अच्छे से, सारे बाहर वाले पौधे भी आ गए। खाद वाला काम बचा है तो वो जब भी आएगा दो तीन दिन बाद। यहाँ पर लेबर क्लास का कोई भरोसा नहीं है, वो बोलते हैं दो दिन, लगाते हैं चार दिन, तो उनके लिए ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे। तो मैंने कहा कि लगा लेते हैं, खाद में वैसे भी कोई कचरा तो होना नहीं है। तो बस बालकनी क्लीन हो गई अच्छे से। इतना ज़्यादा गंदा था ना, जब वो मैट उठाए ना तो नीचे मिट्टी की एक अच्छी खासी मोटी लेयर लग गई थी, उसे तो घस घस के उतारना पड़ा। बट हाँ, क्लीन हो गया। और एक बार फटाफट करना था क्योंकि आंटी काम कर रही थी, आंटी झाड़ू पहुँचने के लिए वेट कर रही थी। तो पहले मैंने झाड़ू से धोया, फिर मैंने वाइप किया, फिर मैंने पोछा लगाया, सब किया ताकि एक बार में सूख जाए और तुरंत मैट लगा दें। तो फटाफट काम हो गया। मतलब टोटल अगर मैं बताऊँ ना, 20 मिनट में सारा काम हो गया। अगर बच्चे परेशान ना करें तो और जल्दी हो जाए, लेकिन बच्चे परेशान करते हैं। बीच में बेबो गिर गई, बेबो पता नहीं कैसे गिरी, मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा। मैं और रवि शॉक हो गए। चेयर पर बैठी थी, चेयर एक पूरी की पूरी पलट गई और वॉल साइड में है, ऐसे भी नहीं कि वो चेयर पर झूल रही थी, पता नहीं एकदम से पलट गए। उसके जो ये मिडल फिंगर होती है ना, उसकी यहाँ पर चोट लगी है, क्रॉसिंग माई फिंगर, ज़्यादा चोट ना लगी। आइस पैक से सेक तो कर दिया, रोई भी बहुत, बट राइट नाउ शी इज फाइन। तो माता जी महाराज ने बचा लिया, मंदिर के जस्ट नीचे गिरी थी, उन्होंने जस्ट बचा लिया। कहते हैं ना, भगवान आपको हमेशा बचाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। तो वही है, भगवान ने बचा लिया, चोट नहीं लगनी थी। अदरवाइज जिस तरह से वो गिरी थी, मैं बता रही हूँ, उसे बहुत जोर से चोट लगनी थी, मैं डर गई थी। व्हेन आई चेक शी इज फाइन। अभी खेल रही है मम्मी के साथ पूरी डिटेल डस्टिंग। सैटरडे संडे होती है, मैं डस्टिंग करती हूँ, मैं ऊपर वाली डस्टिंग करती हूँ। सच्ची बता रही हूँ, मुझसे नहीं होती डस्टिंग का काम, रवि ही करता है। वो एकदम अच्छे से एक एक चीज़ हटाएगा, उसे पोंछेगा, कॉलिन से साफ करेगा, फिर सबको सबके प्लेस से अच्छे से रखेगा। और साथ में गुस्सा भी करेगा कि ये चीज़ यहाँ की थी, यहाँ पे क्यों रखी है, ये चीज़ निकाल लेते हो। अभी जैसे मुझे डांट पड़ रही थी, पर ठीक है ना, वो करता है तो उसको हक है डांटने का। और मैं प्यार से उसको एक स्माइल दे देती हूँ। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट माई सरप्राइज कि आज क्या स्पेशल है। आज स्पेशल ये है, आज आहाना 2.5 हो गई, लाइक 2.5 मतलब 2.5 साल की हो गई आज पूरी। मैं एवरी 6 मंथ ना इनका बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। सेलिब्रेट इन द सेंस कि मैं उनके लिए एक केक बनाती हूँ और हम लोग घर पे ही कुछ थोड़े बलून्स फुला लेते हैं, केक कट कर लेते हैं,
और इंजॉय कर लेते हैं। बच्चों को भी अच्छा लगता है, उनको स्पेशल फील होता है कि हाँ हमारा बर्थडे है। 6 मंथ वाला बर्थडे मैं हमेशा सेलिब्रेट करती हूँ। हम चारों मम्मी होते हैं तो मम्मी एक छोटी सी केक बना ली और तो आज मैं आना के लिए केक बनाने वाली हूँ और आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करती हूँ ना। हर पेरेंट्स को अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा। उनके अंदर अपना बचपन जीना, मुझे अभी भी याद है मेरे पापा हमेशा हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करने की कोशिश करते थे। पास हो दूर हो वो हमेशा कोशिश करते थे। और वही मैं सोचती हूँ कि जब हमारे पेरेंट्स उस टाइम पे इतना करते थे तो आज की डेट में तो चीज़ें कितनी आसान हैं, चीज़ें करना कितना इजी है, तो हम भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आज तो मैं सेलिब्रेट कर ही रही हूँ, कल फिर एक सेलिब्रेशन है। कल मेरे सिस्टर इन लॉ आ रहे हैं और विजयदशमी वाले दिन उनकी डॉटर का बॉर्न हुआ था, तो हम लोग मैं कल उसके लिए भी बर्थडे प्लान कर रही हूँ। तो अभी तक कुछ तैयारी शुरू नहीं की है, देखती हूँ क्या करूँगी कैसे करूँगी, लेकिन करना तो है ही और उसके लिए तो स्पेशल ज़रूर करूँगी। क्योंकि उसको हमेशा शिकायत रहती है कि मामी आप सबके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करते हो, मेरे लिए तो मेरे बर्थडे पे कभी कुछ स्पेशल नहीं होता। तो इस बार उसके लिए स्पेशल कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना है। तो लेट्स सी क्या करती हूँ। और फिर कल कन्या पूजन भी है, आज तो वॉट लग गई, सुबह उठी उठते भागो, कभी इस घर कभी उस घर कभी उस घर, बच्चों को लेके भागते रहो। और मैं ये सोच रही हूँ कल मुझे खुद को करना है। और नौमी ना सुबह 7:45 तक ही है मॉर्निंग में, अब 7:45 तक है, मतलब कल सुबह मेरे को कम से कम 4:30-5 बजे उठना पड़ेगा ताकि उठ के प्रसाद बना के पूजा की तैयारी करके प्रॉपर तरीके से पूजा करके कम से कम घर की दोनों कन्या का तो प्रसाद खिला ही दूं और बाकी जितनी भी कन्या हैं उन सबको उनके घर जाके दे के आऊंगी। क्योंकि अभी कोविड में किसी को भी बुलाना, मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स को भी लगता होगा। हालांकि मैं आज लेके गई थी बच्चों को, मेरे पापा बोलते थे अगर कभी कन्या को बुलाए कोई तो ना नहीं करना चाहिए, क्योंकि कन्या पूजन कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, वो लोग खाना नहीं खाते हैं और कुछ करते नहीं है जब तक वो कन्या को नहीं खिलाते। तो मैं उनको सब जगह लेके गई थी, जिन जिन घर से जिन उन्होंने बुलाया था जिन लोगों ने, लेकिन हाँ मैं मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो मैं जिन भी कन्याओं को मुझे देना है मैं उनके घर जाऊंगी, उनको दे के आऊंगी और फिर आके मैं ब्रेकफास्ट करूंगी और फिर बर्थडे की तैयारी करूंगी जीने की। तो प्लान किया हुआ है, लच्ची क्या करती हूँ, बट पहले आज की तैयारी करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ रोज़ मलाई केक, क्या आइसिंग वगैरह नहीं करूँगी क्योंकि मम्मी खा सकेंगे, मैं बाहर का आइसिंग आई डोंट नो कैसी होती है, खा सकते हैं क्योंकि व्रत चल रहा है। तो लच्ची पहले खाना बनाती हूँ फिर केक बनाऊँगी और रात में बच्चों के लिए पास्ता और केक कटिंग करेंगे, दैट्स इट। तो रोज़ मलाई केक बनाने के लिए हमें लगेंगे 1/4 कप ऑयल, 1/4 कप ऑयल में मैं डालूंगी 1/2 कप कैस्टर शुगर या पीसी हुई चीनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास कैस्टर शुगर नहीं है तो आप पीसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमारी चीनी और तेल मिल गए अच्छी तरह से, अब यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी रोज सिरप, आप रू अफ़ज़ा रैलीस का या कोई भी कंपनी का जो आप यूज़ करते हैं वो वाला रोज सिरप यूज़ कर सकते हैं। और ये अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा ही डाल सकते हैं, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डालिए। मैं अभी पहले 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ और फिर मुझे अगर लगेगा कि मुझे और चाहिए तो मैं और डालूँगी। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर हमारा 1/2 कप ऑफ मिल्क धीरे धीरे ऐड करेंगे, एक बार मैं आधा डाल रही हूँ, इसे मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। देखिए चीनी और ऑयल का मिक्सचर मिल्क के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, थोड़ा सा दूध और डालूंगी और थोड़ा दूध में बचा लूंगी बाद के लिए। अब इसमें मैं डालूंगी 1 कप ऑफ मैदा और इसे मैं
धीरे धीरे इसमें डालूंगी। हाँ मम्मा बहाना के बर्थडे का केक बना रही है। केक बनाने के लिए एक सबसे अच्छी चीज जो होती है कि आप केक के बैटर को एक ही साइड में व्हिस्क करें। लाइक अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो मैं ऐसे ही व्हिस्क करूंगी, मैं इसको ऐसे नहीं करूंगी। मैं इस मिक्सचर में हाफ टेबल स्पून कर रहा हूँ रोज सिरप, थोड़ा सा और डालूंगी ताकि इसमें एक प्यारा सा कलर और फ्रेग्रेंस दोनों ही आए। क्योंकि हम इसमें एसेंस यूज नहीं करेंगे तो रोज सिरप का जो एसेंस है, जो फ्रेग्रेंस है, मेल देंगी या टेस्ट भी जो भी आप कहें। और अब इसकी कंसिस्टेंसी मुझे परफेक्ट लग रही है, एकदम पूरी कंसिस्टेंसी है ये, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। हमें कुछ ऐसा ही चाहिए बैटर। इसमें मैं कुछ ड्रॉप्स डालूंगी रोज रेड के, क्योंकि मैंने ना ये एक्सपीरियंस किया है, अभी आपका जो कलर दिख रहा है ना, जब ये केक बेक होएगी तो इसका कलर डल हो जाएगा। तो अगर बैटर का कलर थोड़ा सा हम डार्क रखेंगे तो केक जो हमारी बेक होएगी तो वो एकदम परफेक्ट कलर की आएगी, जिस कलर की आपको चाहिए। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैं डालूंगी हाफ टी स्पून, एकदम लेवल करके डालेंगे हम इसे। और 1 टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग सोडा। अब इस स्टेज पर हमें इस ध्यान रखने की वाली बात ये है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने के बाद हमें बैटर को बहुत ज्यादा नहीं व्हिस्क करना है। सब मिक्स हो चुका है, अब मुझे और इसे व्हिस्क करने की जरूरत नहीं है। और ये हमारा केक का बैटर रेडी है और हमारे टीम को ग्रीस करेंगे। थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। और अब हम इसे फ्लावर से डस्ट करेंगे। ये हमारा टीम अच्छी तरह से डस्ट हो चुका है, अब मैं हमारा बैटर इसमें डाल दूंगी। तो बार हम इस तरह से टैप कर लेंगे। आप चाहें तो इस पर नट्स भी डाल सकती हैं, जैसे कि मैं इसमें अभी थोड़े से काजूओं को क्रश करके डालूंगी। आप काजू, पिस्ता, बादाम, रोज पेटल्स कुछ भी इस पर डाल सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल मैं सिर्फ काजू डाल रही हूँ। रोज पेटल्स मैं बेक करते टाइम, जब केक हल्की सी बेक हो जाएगी उस टाइम मैं केक को निकाल कर उस पर रोज पेटल्स डालूंगी। काजूओं को इसके ऊपर अच्छी तरह से डाल देंगे चारों तरफ फैलाकर। और ये हमारा केक बेक होने के लिए रेडी है। हमारा ओवन 180 डिग्री पर मैंने 10 मिनट के लिए प्रीहीट किया है और अब मैं उसमें डाल दूंगी। 180 डिग्री पर बोथ साइड पे मैं पहले 20 मिनट के लिए लगाऊंगी, फिर मैं चेक करूंगी। अगर ये नहीं हुई होगी तो मैं 5 से 10 मिनट के लिए और रखूंगी। रोज मलाई केक बना रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि रोज तो केक का फ्लेवर है लेकिन मलाई कहाँ है। तो मलाई से मेरा मतलब है एक रबड़ी जो रोज फ्लेवर की होगी और केक के ऊपर आइसिंग का काम करेगी। तो अब हम बनाएंगे हमारी रबड़ी। उसके लिए मैंने हमारा पैन गरम कर लिया है, इसमें मैं डालूंगी 1 कप दूध। जब दूध गरम हो जाएगा तो ये मेरे पास 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या आप कस्टर्ड पाउडर कुछ भी ले सकते हैं, मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसे मिल्क के साथ मिक्स करके एक मिक्सचर बना लिया है और ये जब दूध गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी। इसे हम चला लेंगे और ये दूध अब गर्म होना शुरू हो गया तो मैं थोड़ा थोड़ा करके हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर इसमें डालूंगी और गैस को सिंपल कर दूंगी। ये देखिए कितनी जल्दी ये थिक होना शुरू हो गया है।
मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और डाला है, अराउंड 2 टेबल स्पून, क्योंकि ये बहुत अच्छे से थिक हो चुकी है और बहुत जल्दी हो गई। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ रोज सिरप, और यहाँ पर मैं साथ में ही शुगर भी डालूंगी 2 टेबल स्पून। बहुत ज्यादा शुगर डालने की जरूरत हमें इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हमने रोज सिरप भी डाला है, तो रोज सिरप की अपनी एक मिठास होती है। ये रबड़ी ऑलमोस्ट अपनी कंसिस्टेंसी में आ चुकी है, इसे साइड से हम उतारते रहेंगे नहीं तो एक बहुत थिक सी हो जाएगी। और इसमें मैं डालूंगी अगेन थोड़ा सा रोज रेड कलर, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है, पिंक कलर, इट लुक सो टेम्प्टिंग। एकदम परफेक्ट पिंक कलर, रोज पिंक कलर आ चुका है इसका। और क्योंकि हमने रोज सिरप डाला था तो इसमें टेस्ट रोज सिरप का आ रहा है, कस्टर्ड पाउडर से एक अच्छी थिकनेस आ चुकी है इसमें, और इट्स जस्ट एज परफेक्ट एज एनी आइसिंग हम जो करते हैं। और ये हेल्दी भी है कि दूध है, कस्टर्ड पाउडर है, चीनी है, तो इट्स गुड। जस्ट इसे मैं एक गैस को फुल करके एक बॉइल आने दूंगी अच्छा वाला, और गैस को बंद करके इसे चिल होने के लिए छोड़ देंगे। 35 मिनट हो गए हैं, मैंने पहले 20 मिनट के लिए लगाए थे, फिर 10 मिनट, और फिर हल्की सी कच्ची लग रही थी तो मैंने 5 मिनट के लिए और लगाया। और ये हमारी केक पूरी तरह से बेक हो चुकी है, इसे निकाल लेंगे। और ये मैंने निकाल ली केक, और ये अब जब तक ठंडी नहीं होती है तब तक हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, ठंडी होने के बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। और ये हमारा रोज मलाई केक हेल्दी हेल्दी सा रेडी, इजंट इट लुक टेम्प्टिंग। थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में चिल होने के लिए रखूंगी, तब तक मैं और रवि बाहर जा रहे हैं, कल कंजक के लिए सामान लेके आना है तो वो लेके आएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। स्पेशल डे है हम सब के लिए, बहुत स्पेशल डे है क्योंकि हम एवरी 6 मंथ माइलस्टोन को सेलिब्रेट करते हैं दोनों बच्चों का, तो केक कटिंग की है। और आई गेस बच्चों को केक अच्छी लगी, हम तो कल खाएंगे, हमें आज खानी नहीं है, अब कल पूजा होने के बाद फिर हम खाएंगे। होप आपको अच्छा लगा हो आज का व्लॉग, केक की रेसिपी अच्छी लगी हो। ये केक हेल्दी है एज इसमें किसी भी तरह का क्रीम यूज नहीं किया गया है, रबड़ी को फ्यूज किया गया है एक बाहर के डेजर्ट के साथ। बट मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये केक पहले भी बना चुकी हूँ, इट टेस्ट यम, और जब चिल्ड चिल्ड खाओ तो ये और भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ डू ट्राई एक। और हमारी बर्थडे गर्ल आपको कैसी लगी ये भी मुझे बताना मत भूलना। हमारी बर्थडे गर्ल भी आपको बाय बोलना चाहती है और ऑल इज वेल बोलना चाहती है। लव भी बोल दो और थैंक यू भी बोल दो सबको, थैंक यू बोल दो सबको। अच्छा आपको केक कैसा लगा ना? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। Yum!